गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। थैंक यू फॉर शोइंग योर लव इन माई लास्ट ब्लॉग्स। काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। मतलब एंड आई कैन सी द ग्रोथ, मतलब नॉट इतना ज़्यादा, बट हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है वो अभी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, फॉर शेयरिंग, लाइक, कमेंट, एवरीथिंग, वॉट एवर यू डू। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी आज मैं थोड़ा ऑफिस जल्दी आ गया बिकॉज देर वॉज अ मीटिंग, तीन और अर्जेंट काम थे ऑफिस के। सो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ, मीटिंग के लिए तो आना ही था, तो सोचा बाकी काम भी हो जाएंगे। सो अभी जस्ट 8:30 हो रहा है एंड आई एम इन ऑफिस। मतलब जनरली मैं 9:30-10 o'clock तक आता हूँ ऑफिस में, कभी कभार मैं आ जाता हूँ जल्दी, एंड वो कभी कभार वाला आज वाला भी दिन है। सो इट्स नॉट समथिंग आई एम लेजी, बट मैं मेरा टाइम उस तरीके से मैनेज करके चलता हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने जैसे बताया था ना कि गाड़ी में अब थोड़ा ना प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं। सो लास्ट एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं गाड़ी लेके निकला था तो एसी कूल नहीं कर रहा था, तो आई थॉट कि एसी में प्रॉब्लम होगा, तो मैंने गैरेज में दिखाया एंड दूसरी सारी चीज़ें भी दिखाई थी। तो गैरेज वाले ने बोला कूलेंट ख़त्म हो गया, तो मैं इसलिए कूलेंट डलवाने गया था। अब दूसरी क्या है कि कम से कम गाड़ी में 20,000 से 25,000 का खर्चा बताया क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम आया। आई थिंक बैरिंग का कोई मेन एक तो प्रॉब्लम बताया है, सो अभी वो भी करवाना है, तो उसके लिए भी एक तो एक बार जाना पड़ेगा, पूरा दिन उसमें ही जाने वाला है, अभी काम बहुत सारा आने वाला है। एंड गाइस ये है मेरा वो नया, मैंने मैकबुक प्रो लिया हुआ है। सो दिस इज़ न्यू मैकबुक प्रो, ऐसा कुछ है। सो आई एम स्टिल लर्निंग, मतलब 2 महीने हो गए इसको, तो जितना सीखो उतना कम है। सो लर्निंग न्यू वेज, बट ऐसा कुछ है अभी। मेरा तो अभी लर्निंग स्टेज ही चल रहा है क्योंकि बहुत सारा, मतलब आईफोन भी मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, मैक भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम, आई एम अ फर्स्ट टाइम यूज़र। तो थोड़ा वो जब विंडोज़ वाला लैपटॉप यूज़ करते हैं और फिर ये मैक पे आते हैं ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वही चीज़ सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, तो इसी मैक की वजह से ही मेरे को जो एडिटिंग में प्रॉब्लम आई थी वो इसी की वजह से आई थी। एट दी एंड मैंने लास्ट में आई मूवी वाला सॉफ्टवेयर में मैंने एडिटिंग किया था, जो एप्पल का प्रोडक्ट है, आई थिंक सो एप्पल का सॉफ्टवेयर है, नॉट प्रोडक्ट। सो उसमें मैंने एडिटिंग किया हुआ है फिर लास्ट में मैक में ही। आई एम स्टिल यू नो यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेता हूँ या कुछ ना कुछ नहीं आता है तो चेक कर लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ, पर अभी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब यू नो सीख रहा हूँ ताकि और स्मूथ हो जाए मेरे लिए प्रोसेस। टुडे वर्क अभी ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, 2-3 कॉल्स थे एंड जिसके लिए सुबह जल्दी आए थे, एक तो कॉल वो सुबह सुबह ही था। सो सारा काम अभी तो ख़त्म कर दिया है, आई लीव होम नाउ। उस पर अभी हम लोग ये वीक में प्लान कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग जाए, या तो एक टेस्ट ऑफ बड़ोड़ा करके हैं यहाँ पे, जो रिसेंटली अभी बड़ोड़ा में एक काइंड ऑफ अ फेस्टिवल जैसा रहता है। इट इज़ समथिंग जहाँ मतलब फेस्टिवल एज एन, वो इट्स एन इवेंट जहाँ पे मतलब यू कैन गो एंड यू कैन नो कैन हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, फोटोग्राफ्स खींच सकते हो, बहुत सारा मतलब अच्छा वो लोग का डेकोरेशंस होता है वहाँ, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, डीजे पार्टीज एंड वो सब चलता है। सो आई एम प्लानिंग कि हम लोग मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी वहाँ जाने का, मोस्ट प्रोबेबली ये वीक में। आई थिंक मैं ये व्लॉग को तब तक कंटिन्यू ही करूँगा, आई डोंट नो ये रोज़ का व्लॉग डलेगा या अभी कंटिन्यूटिव वीक का डलेगा वो पता नहीं, बट आई विल सी वट एवर द बेस्ट विल बी वो मैं व्लॉग में रखूँगा एंड जो नहीं अच्छा लगेगा वो मैं निकाल देता हूँ। बहुत सारी क्लिप्स मैं निकाल देता हूँ, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, बहुत सारी क्लिप्स मैंने ऐसी मतलब निकाल दी है व्लॉग में से, व्लॉग मतलब जब मैं एडिटिंग करता हूँ, डेफिनेटली एडिटिंग भी इसीलिए होती है। सो या आई विल जस्ट लीव नाउ एंड मिलते हैं नेक्स्ट। बेसिकली टेस्ट ऑफ बड़ोड़ा गए थे, जो मैंने बताया था आपको व्लॉग में। टेस्ट ऑफ बड़ोड़ा बेसिकली एक इवेंट है
इवेंट फेस्टिवल आप दोनों कह सकते हो, जिसमें आप काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं एंड डीजे पार्टीज एंड बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे अंदर करने के लिए। तो हम लोग वहाँ गए थे, मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, आपने देख ही लिया होगा। सो जब हम गए थे तो उस टाइम उस दिन अतुल पुरोहित आए थे। सो इफ गुजरात के लोग तो सब जानते ही होंगे अतुल पुरोहित को। तो सो आज गरबा का डे था, जो गरबा वाला डे स्केड्यूल हुआ हुआ था जिसमें अतुल पुरोहित आए थे एंड यू हैव सीन द क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। एंड आई डिडंट गॉट चांस टू यू नो शूट दी व्लॉग। सो बहुत छोटे से क्लिप मैंने डाला है उसमें, तो आई होप आप लोग को उसी में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँगा, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग को नहीं खींचा है मैंने। सो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना है, लिंक शेयर करना है मेरे चैनल की, ब्लॉग की लिंक शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसा लग रहा है ब्लॉग, पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आपका फीडबैक हो, मतलब कैसे ही भी फीडबैक हो आप मुझे बताओ, मुझे ज़रूर आइडिया आएगा कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट ब्लॉग किस वे में स्केड्यूल करना है। और अगर किसी के पास कोई आइडिया हो ब्लॉग के लिए तो मेरे को डेफिनेटली कमेंट करके बताना। सो यस, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।